हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर की खीर की रेसिपी। वैसे तो आपने गाजर की बहुत सारी स्वीट डिशेस खाई होंगी, जैसे गाजर का हलवा, गाजर की बर्फ़ी, बट आज मैं आपको अपने स्टाइल से दिखाती हूँ गाजर की खीर की रेसिपी। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से और भी कोई स्पेशल रेसिपी चाहते हों तो आप मेरे को उसके लिए ज़रूर बताइएगा। गाजर की खीर को कुछ लोग गजरेला भी कहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ की गाजर, जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है, प्लस मुझे चाहिए 1/3 बाउल ये बासमती किनकी है, जो सबसे छोटा दाना होता है राइस का। इसको मैंने 1 घंटा सोक करके रख दिया है। इसके साथ मुझे चाहिए 1 बाउल चीनी का, प्लस मुझे चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं खीर के बीच में ऐड करूँगी, और साथ में मेरे को चाहिए 1 लीटर बॉइल्ड मिल्क। इसको मैंने पहले ही उबलने के लिए गैस पे रख दिया है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हमेशा खीर के लिए प्लीज़ फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करें। जब मेरा दूध बहुत अच्छे से उबलने लगे, जब इसे बहुत अच्छी उबाली आ रही है, तो मैंने ये जो 1/3 कप राइस सोक करके रखे हैं बासमती किनकी, अब मैं ये सोक राइस जो है अपने दूध के अंदर ऐड कर दूँगी और इस राइस को मैं अच्छे से हिलाऊंगी। और उसके बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए सिम पर धीरे धीरे पकाती रहूंगी और बीच बीच में इसे चलाती रहूंगी ताकि दूध जो है वो सरफेस के साथ चिपके नहीं। मेरे दूध को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और चावल भी इसके साथ साथ पकने शुरू हो चुके हैं। अब मैंने जो गाजरें अपनी ग्रेट करके रखी हैं, अब मैं वो गाजर उसके अंदर ऐड कर दूँगी, ऐड करूँगी और उसको चलाऊँगी मैं, क्योंकि ये खीर मैं गर्मी में बना रही हूँ तो इसलिए मेरे पास ऑरेंज गाजर है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा। बट अगर आप इसको सर्दियों में लाल गाजर के साथ बनाएंगे तो इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है। जब ये मेरी गाजर अच्छे से खीर के अंदर मिक्स हो गई, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बाउल चीनी का। जी हाँ, मैं हमेशा खीर में चीनी पकते हुए पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि इससे खीर का स्वाद दुगना हो जाता है। जो लोग खीर में लास्ट में चीनी डालते हैं, उन लोगों का टेस्ट बहुत ही अलग होता है। जब मैंने चीनी और गाजर ये सब चीज़ें डाली, उसके बाद बहुत अच्छे से बॉयल आने लगा। जब बॉयल आने लगा, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं आप वही इसके अंदर ऐड कीजिए, और अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स को पहले ही साथ में पकते हुए डाल देती हूँ, इससे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हमारा दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, हमारे चावल, खीर ये सब जो हैं अच्छे से पक जाएंगे और अच्छे से घुल मिल भी जाएंगे। 20 से 25 मिनट पकने के बाद देखिए मेरी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। फुल क्रीम दूध में जो खीर बनाई जाती है वो हमेशा बहुत ही गाढ़ी होती है, और जब हम इसको ठंडा करके सर्व करते हैं तो ये बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट देती है। आप इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये थोड़ी सी ठंडी होती है और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मेरी खीर को मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा केसर एसेंस डाल रही हूँ। मेरे पास केसर एसेंस है इसीलिए मैं 2-3 ड्रॉप डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप केसर एसेंस नहीं पसंद करते या आपके पास केसर एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ठंडी होने के बाद मैंने अपनी खीर को बाउल में सर्व कर दिया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही और भी रेसिपीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे ला सकूँ।